टू माई चैनल में है रोहित ब्लॉग्स। अभी जैसे कि आपने देखा कि मैंने लोबिया बनाया आज गाइस, काफी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स के बाद मैंने आज लोबिया बनाया, क्योंकि चक्कर क्या था कि मैं पहले खा नहीं सकती थी, अब मैं खा सकती हूँ लेकिन अभी भी ज्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं फीडिंग मदर हूँ एज यू ऑल नो। तो इस वजह से जो है मैं थोड़ा थोड़ा ही खा रही हूँ हर एक चीज, जिससे कि बेबी को भी डाइजेस्ट हो जाए। गाइस अभी तक आप देख सकते हो तो मतलब मैंने बाथ लेने में जाती हूँ फिर मेरे पास कोई ना कोई काम आ जाता है, जैसे कि मैं खाना बनाते ही जा रही थी, क्योंकि खाना मैंने पहले इसलिए बना दिया क्योंकि गाइस फिर बाद में ना बेबी उठ जाता है ना, तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। एंड चीकू की, चीकू का मैं अपडेट देती हूँ गाइस, पहले से थोड़ा सा ही बेटर है, बिल्कुल माइनर सा ही बेटर है, लेकिन अभी भी इसको एलर्जी है, फीवर नहीं है पर एलर्जी अभी भी रिमेनिंग है। सो ऐसे तो नहीं करते हैं बेबी। सो गाइस यही है। एंड ना मैं बता रही थी कि मैं जैसे ही नहाने के लिए सोचती हूँ तुरंत कुछ ना कुछ काम आ जाता है। लोबिया बनाने के बाद मैं नहाने के लिए जा रही थी लेकिन हस्बैंड का उधर से ही आवाज़ आई जोरों से कि बेबी ने पॉटी कर दी है, जाके पॉटी साफ कर दो। एक्चुअली क्या था कि मैंने बेबी को डायपर फ्री करा हुआ था एंड सारा उसने कपड़े गंदे कर लिए अपने, सब कुछ मतलब अपने आप को पूरा गंदा कर लिया उसने, तो उस पर सारा मुझे जो है क्लीन करना पड़ा, इवन मुझे वॉश करना पड़ा, मैंने वाइप से वही क्लीन किया। फिर उसके बाद जो है मैंने इसको मसाज वगैरह करके, मैंने पहले सोचा था कि मैं पहले बात करती फिर इसकी मसाज करूँगी, बट फिर मुझे एकदम से आइडिया आया एंड मेरे दिमाग में आया कि नहीं नहीं हाँ रुक जाओ भाई, अगर तुम इसको पहले नहला दोगी एंड मसाज करोगी तो तुम सारी भीग जाओगी एंड तुम्हें दोबारा फिर से नहाना पड़ेगा। इस वजह से जो है मैंने पहले इसका सब कुछ करा। अब फिर मैंने सोचा कि चलो यार अभी तक मैंने आप लोगों से बात नहीं करी है तो पहले मैं बात कर लेती हूँ। फिर अब मैं बस गाइस सब कुछ हो चुका है, खाना बन चुका है, बस खाएंगे अभी 1:30 बजे तक, 1 बजने वाला गाइस। सोचो गाइस ये होते हैं न्यू मदर्स की लाइफ ना, कि पहले मैं अपना फटाफट से जो है बात ले लेती थी, अब मुझे 1:00 बज जाता है और मैं बात नहीं ले पाती, तो बस इसी वजह से पहले जब जापे वाली थी तब भी मैं ले लेती थी बात, बट कोई नहीं गाइस। तो चलो अब मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ और ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। एंड आज है गाइस दशहरा, सो हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। एंड हो सकता है कि 2-3 दिन बाद आए ये ब्लॉग गाइस, क्योंकि अभी एडिटिंग में थोड़ा लग रहा है टाइम, बिकॉज बेबी को संभालने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो इसलिए एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता। एंड इस शरारती बच्चे को देखो, ये बहुत गाइस बहुत परेशान करने लगी है, ये बेबी को बिल्कुल नहीं सोने देती है। सो चलो गाइस ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सो मैं अभी नहाने जा रही हूँ, देन उसके बाद आपको मिलती हूँ। गाइज इवनिंग का टाइम हो रहा है एंड आज है दशहरा जैसे कि आप लोगों को पता है, तो हम सब जा रहे हैं, चीकू, चीकू के डैडी, मैं एंड अनविका है फर्स्ट दशहरा। तो एंड घर पे रह रह के गाइज थोड़ा बोरियत भी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं भी साथ चलती हूँ, तो बस अभी जा रहे हैं। एंड शायद हो सकता है कि मेरी मम्मी भी जाएंगी साथ, वैसे तो जाएंगे वो साथ में, क्योंकि मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी ने बोला कि मैं भी साथ चलूँगी। तो चीकू रेडी हो चुकी है एंड मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। अभी हम लोग आ गए हैं मम्मी को लेने के लिए, मम्मी का वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं मम्मी कितनी देर में आते हैं। वैसे तो मैंने फोन कर दिया है मम्मी को कि मम्मी आ जाओ हम लोग आ गए हैं, सो अभी हम वेट करते हैं एंड फिर मिलवाती हूँ आपको अपनी मम्मी से। हाय गाइस, तो कर दो। हाय गाइस, हम जा रहे हैं दशहरा रावण देखने। So, कैसा लग रहा है मम्मी आपको? बेटी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने जा रहे हैं, बहुत अच्छा। चोट ठोक दी किसने? So guys, मिल लिए आप लोग मम्मी से और मनु से। guys, आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। कहाँ डालेगा? सीरियसली कहाँ डालेगा वे? आज बहुत भीड़ है। क्या बोला मम्मी अभी आपने, फिर से बोलना। एक सुंदर मेरी, इतनी सुंदर सुंदर बेटियां हैं, मेरे बच्चे सुंदर है, मेरे दामाद भी सुंदर है, मेरी बेटियों के बच्चे भी सुंदर है। सो गाइस आप देख सकते हो कितना ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, सिर्फ दामाद ही सुंदर है, जरूर बेटी सुंदर है। मम्मी ऑन कैमरा क्या बोल रहे हो आप? रोहित बुलवाया है ना, कहते दामाद ही सुंदर, मेरी बेटी सुंदर नहीं है? अरे बेटा सब होता है, ये तो ऐसे चलता है। पापा से मैं बोल रही ना उस दिन, ऐसे बोलते ऐसे कह रहे ना उस दिन अवन वाले दिन, कह रहे तुम मुझे रोटी खाने देगी नहीं खाने में, ऐसे मत बोला करो भाई, हम तो गांव के ऐसे ही बोलेंगे, हम तो हर तरह की भाषा बोल
बोलते ब्रज के रहने वाले बोला कुछ को ये रहा देखो मेरे वीडियो में देखो लोग ऊपर ऊपर चढ़े हुए हैं ये रे रावण रावण उनके अंदर बहुत पटाखे लगे हुए हाँ जब फूटेंगे ना ये पता नहीं लगेंगे भी होंगे नहीं क्योंकि भीड़ देख लो भीड़ तुम्हारा फेस इतना ज्यादा जूम नजर आ गया तो गाइस भीड़ देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है चिकू एंड ये रहे रावण ट्विन्स है ये तो गए चीकू को भी बिठा दिया ऊपर ही भीड़ हो रही है इसमें तो गाइस हम लोग बचपन में इतना ज्यादा झूलते होते थे एंड डर भी लगता था पर मजा भी आता था तो गाइस यहाँ पे जा रहे हैं चीकू एंड उसके डैडी राइड हो चुकी है फिनिश एंड चीकू ने तो बहुत एंजॉय किया मुझे लग रहा था शायद डर लगेगा इसको गाइस पर आप देख लो कि कितना एंजॉय किया चीकू ने ना वैसे तो मुझे भी जाना था पर मुझे डर लग रहा है लोग गए हैं ये बोट वाले झूले में देख सकते हो आप लोग चुप हो जा ये किसकी है हमारी है हाँ फिर
सो गाइस आप देख सकते हो दशहरे की जैसे कितनी ज़्यादा भीड़ है हर जगह पे। ये मार्केट जनरली मतलब जो होती है क्लोज हो जाती है यूजुअली, और आज ओपन है। चिको आओ खाओ। तो गाइस हमारा यहाँ राम लड्डू आ गया है, पाव भाजी आ गई है, जरूर जिद करनी होती है यहाँ पे आते ही जिद हो जाती है आपकी। चलो अब यहाँ पे करवा रही हूँ अपने लिए मोमोस पैक पनीर। एक्चुअली खाने चीकू ने है, चीकू मोमो लवर है। तो गाइस अभी मम्मी को और मन्नू को छोड़ दिया है घर पे, एंड बस 5 मिनट ही हम रुके थे घर पे क्योंकि काफी लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी 10:30 हो गए हैं, एंड कल हस्बैंड ने भी ऑफिस जाना है, एंड ये भी काफी ज्यादा क्रैंकी हो गई है, अब इसको भी सुलाना है एंड चीकू को भी सोना है। सो इसी के साथ गाइस हैप्पी दशहरा टू एवरीवन, एंड करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में। जिसको भी ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज उसको लाइक शेयर जरूर करना, एंड चैनल को जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज जाके सब्सक्राइब करना। सो गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय बाय। आप भी बाय कर दो, बाय बाय।